डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम आने वाला है, तो हमारे पास ये गीजर है, तो हमने सोचा चलिए गीजर पे एक वीडियो अच्छा सा बना दें। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये हमारा जल नहीं रहा है। सारा कुछ लाइटर वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी वर्क नहीं कर रहा, तो हमें इसे कैसे ठीक करें। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हम आपको बिल्कुल क्लियर एकदम इसे सही करके दिखाएंगे और जला के भी दिखाएंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को काट काट के ना देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें इसके सेल चेक कर लेने हैं। सेल चेक करने से पहले हम आपको खोल के इसे दिखाएंगे कि इसे ओपन कैसे करें। ओपन करके और अंदर ही हम बिल्कुल फाइनली आपको सही करके इसे दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए। तो फ्रेंड्स, गीजर को ओपन करने से पहले हमें क्या करना है, खोलने से पहले सबसे पहले हमें ये वाली चटकनियाँ ज़रूर पहले से ही ये चीज़ पहले से निकाल लेनी है, नहीं तो गीजर हमारा ओपन नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से इन्हें निकाल लें, आसानी से निकल आती हैं। इस तरीके से सबसे पहले हमें ये निकाल लेनी है, ध्यान रखें। उसके बाद हमें चाहे इन्हें लगा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इन्हें हटा भी सकते हैं। इस तरीके से इन्हें इसे खोल के अलग भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से इसे खोल के अलग कर लें। उसके बाद इसमें हमारे सेल लगे हुए होते हैं, तो सेल भी सेल लगे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। हम बाद सेल अभी नहीं हटाने हमें, और ये कम से कम इतना बड़ा पेंच का सोना ही चाहिए। तो इस तरीके से सबसे पहले एक ये बोल्ट खोलना हमें। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, सारा कुछ आपको ठीक करके दिखाएंगे, क्योंकि गैस गीजर हम 2-3 सालों से यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें इसकी अच्छे से नॉलेज है कि कब क्या और कैसे कमी हो जाती है। फ्रेंड्स, इसके बाद ये वाला बोल्ट खोल लें एक। तो फ्रेंड्स, इसके बाद एक बोल्ट है हमारा ये दो बोल्ट और हैं, एक ये बोल्ट है और ये एक ये बोल्ट है। ये दो बोल्ट और खोलेंगे, उसके बाद हमारा गीजर ओपन हो जाएगा। अंदर फ्रेंड्स, हम आपको सारा कुछ सिस्टम बताएंगे कि कहाँ पे क्या कमी हो जाती है तब हमारा गीजर नहीं चलता है। फ्रेंड्स, ध्यान रखें, ये वाली चटकनी है, ये वाली चटकनी हमारी अंदर तार में अटैच है, ये सेंसर भी अटैच है, तो ध्यान से थोड़ा खोलें, अगर आप एकदम खींच देंगे तो तार टूट भी सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस साइड से आप ओपन करें, इस साइड से। हमें इस साइड से ओपन करना है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें ओपन कर लेना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे तार लगे हुए हैं, तो फ्रेंड्स, इन्हें वैसे करके रख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा गैस गीजर का सेंसर होता है, यहाँ से हमारा पानी जब जाता है तब यहाँ पे अंदर जो सेंसर लगा हुआ है, वो सेंसर के अंदर चुंबक टाइप की लगी हुई होती है, वो ऊपर जाती है, तो इसमें टच होती है और तुरंत लाइटर जल जाता है। फ्रेंड्स, इसे अलग कर देते हैं, हमारा ये बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो ये सारा सिस्टम हमने खोल दिया है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमारे इसमें क्या प्रॉब्लम है और ये क्यों नहीं जल रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सिस्टम को समझें, ये हमारे हैं, इसमें सेल लगते हैं प्लस माइनस, और यहाँ से इसमें करंट जाता है। फ्रेंड्स, ये करंट हमारा होता हुआ इस वाली डिब्बी में आता है। तो फ्रेंड्स, इतना तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। उसके बाद जी है, इसमें हमारा पानी जाता है, पानी मतलब जो ऊपर से सप्लाई आती है वो इसमें जाती है। इसमें जाने से क्या होता है, ये हमारा एक सेंसर लगा हुआ है, जब इसमें पानी जाता है तो इसके अंदर एक इतनी बड़ी चुंबक टाइप की पड़ी हुई होती है, उसे सेंसर बोलते हैं। तो वो जब इसमें जाता है, जब यहाँ से टक्कर पानी मारता है, तो इसमें यहाँ तक टच होता है। टच होने से क्या होता है कि हमारा लाइटर जल जाता है। लाइटर कब जलता है, जब देख सकते हैं फ्रेंड्स, लाइटर हमारा इससे कनेक्ट रहता है, ये चीज़ इससे, और ये यहाँ से इसमें इस बोर्ड में जाता है, और यहाँ से ये लाइटर मेरे कनेक्ट रहते हैं, और तभी लाइटर जलता है।
अब हम आपको डायरेक्ट चेक करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा हम आपको गैस भी लगा के दिखाएंगे, गैस हमारी, गैस सिलेंडर हमारे पास रखा हुआ है। सबसे पहले हम आपको चेक करके दिखाते हैं, चाहे तो हम डायरेक्ट भी चेक करके दिखा सकते हैं आपको। देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा लाइटर जल रहा है पर गैस नहीं जल रही है। हम गैस सिलेंडर भी आपको लगा के दिखाएंगे। फ्रेंड देख सकते हैं ये हमारा सिलेंडर है, फ्रेंड्स गैस सिलेंडर हमने लगा दिया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये वाला हमारा गैस सिलेंडर है, तो इसे हमने लगा दिया है। अब हम आपको जला के भी दिखाएंगे। फ्रेंड्स अगर हमारे पास पानी नहीं है तो हम डायरेक्ट सेंसर को चला के दिखा सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से हम डायरेक्ट कर देंगे तो हमारे लाइटर तो जलेंगे पर फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से और संभल के काम ये करना है, क्योंकि गैस वाला मामला है तो थोड़ा संभल के, क्योंकि हम आपको लाइटर जला के दिखाएंगे। सबसे पहले लाइटर जल रहा है पर देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारे दो लाइटर लगे हुए हैं, एक ये लाइटर है और एक ये लाइटर है और ये लाइटर है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं इसे तो लाइटर तो जलता है फ्रेंड्स, जब हम इसे चालू करते हैं तो लाइटर तो जलता है पर हमारी आग नहीं जलती है। देख सकते हैं लाइटर जल रहा है, सारा कुछ सब सही काम कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है तो फ्रेंड्स अब हम आपको बताएं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ध्यान रखें कि आपको जब भी स्टार्ट करना है, आपका एक साल पुराना है गीजर अथवा एक साल से आपने यूज नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें जे वाले सेल हैं सेल को चेक कर लेना है कि सेल हमारे सही हैं अथवा नहीं है। अगर आपके पास मीटर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मीटर है तो आप हमारे पास पुराने जो स्पीकर वगैरह जो पड़े हुए होते हैं तो उनके दोनों तार इसमें टच करके देख लें, अगर अच्छे से आवाज़ दे रहा है, क्योंकि स्पीकर के दोनों तार टच करेंगे तो खर खर की आवाज़ होगी। अगर अच्छे से दे रहा है तो इसका मतलब सही है, और हल्के से दे रहा है तो आप एक बार नए सेल लेके जरूर आएँ। तो फ्रेंड्स ये हम नए सेल लेके आए हैं, अब हम आपको दिखाएंगे कि हमारा ये काम करेगा अथवा नहीं करेगा। फ्रेंड इस तरीके से हम इन्हें लगा लेते हैं। फ्रेंड नए सेल जरूर लेके आए और लगाएं एक बार जरूर। अब फ्रेंड्स हम चेक करेंगे, उससे पहले हम आपको ये सेंसर भी लगा के दिखा देते हैं कि सेंसर का क्या काम है, वो भी आप समझ लें बात को। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सेंसर वाला स्विच इस तरीके से हम इसमें लगा लेते हैं, उल्टा सीधा देख के और सही से लगाएं। फ्रेंड्स ये हमारा सेंसर वाला हो गया। अब सेंसर का काम क्या है, सेंसर भी हम आपको दिखा देते हैं, सेंसर कैसे वर्क करता है। सेंसर इस तरीके से वर्क करता है फ्रेंड्स, जब आप इसे हल्के से लूज करेंगे तो ये हमारा ढीला हो जाएगा, ये ढीला हो गया। तो सेंसर कब काम करेगा आप देख सकते हैं, फ्रेंड्स शायद है कि आपको वीडियो क्वालिटी सही से मिल रही होगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जी हमारी लाइट है, इसमें लाइट जलेगी जब हम सेंसर थोड़ा नीचे ऊपर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो चुम्बक लगी हुई है वो सही से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम जब इसे नीचे करते हैं तो फ्रेंड्स हम आपको सेंसर दिखाते हैं। सबसे पहले सेंसर कहाँ पर, मेरा सेंसर देख सकते हैं फ्रेंड्स, सेंसर मेरा ये सेंसर है, और जब ये इसके सामने आता है, शायद आपको सही से ना समझ में आया हो तो हम आपको सेंसर दिखाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, जे इसे बोलते हैं सेंसर, असली काम इसी का होता है और इसी से हमारा लाइटर सही जलता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स इसे हम हिला के दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं ये होता है मेरा, देख सकते हैं फ्रेंड्स ये है सेंसर, सही से देख लें, इसे बोलते हैं सेंसर, यही होता है सेंसर। और ये जो सामने चुम्बक लगी हुई है ऊपर, ये हमारी चुम्बक लगी हुई है, इसके सामने जब ये आएगा तभी ये वर्क करने लगेगा और लाइटर जलने लगता है। तो फ्रेंड्स हम इसे ऐसे इस तरीके से अंदर करते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स तो ये काम करने लगेगा।
फ्रेंड्स जब हम पानी चलाएंगे तब हमारा ये सेंसर काम करेगा। अब हम आपको डायरेक्ट चला के दिखाते हैं कि ये काम कर रहा है अथवा नहीं कर रहा, देख सकते हैं फ्रेंड्स। पानी बंद है ऊपर, ऊपर तो बंद है। तो फ्रेंड्स थोड़ी हमारी गैस ख़त्म हो गई है इसलिए ये गैस की अच्छी सप्लाई नहीं होने के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है, देख सकते हैं फ्रेंड्स ये स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं यही था वीडियो मेरा, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स हल्के सेल डाउन भी हैं थोड़े मेरे, इसलिए प्रॉब्लम है, लेकिन ध्यान रखें जब भी आपको गैस गीजर चलाएं, अगर आपका लाइटर जल रहा है और आपका आग नहीं जल रही है, तो सबसे पहले आप सेल को चेंज करके एक बार ज़रूर देख लें, नया सेल ज़रूर डालें। तो फ्रेंड्स अब इसे जैसे ही हमने हटाया था वैसे ही इसे कस लें। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो, धन्यवाद।